हेलो एवरीवन, मैं रेखा कुशवाहा। अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर, जो आप लोग की अपकमिंग ऑल टाइप्स ऑफ टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन को बेस्ट टू बेस्ट बनाएगा मेरे साथ। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड कोर्सेज एंड लेसन प्रोवाइड करवा रही हूँ। सो जल्द से जल्द मुझे फॉलो कीजिए, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो स्टार्ट करेंगे। वेलकम टू इन्फो टीचिंग। यहाँ पर आप लोगों के सामने ऑल ऑफिशियल लिंक है इन्फो टीचिंग से जुड़ने के लिए। सभी लिंक से जुड़ें और इन्फो टीचिंग को पॉजिटिव सपोर्ट दें, ताकि आप लोगों के सामने ऐसे ही रेगुलर अपडेशन के साथ साथ आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड होता रहे। मेन लिंक है हमारे यहाँ पर व्हाट्सअप का इन्फो टीचिंग ग्रुप, जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी सीरियस तरीके से कर रहे हैं, तभी आप इसे ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। और प्लीज़ अपना सपोर्ट बताने के लिए और दिखाने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि आप लोग को हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। सो स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। बहुत ही ज़्यादा हमारे सामने अवेटेड टॉपिक है, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। किस तरीके से हम टीचिंग अपने प्रोफेशन में जा सकते हैं, टीचिंग फील्ड को किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, ये क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, क्या डिफरेंस है PRT TGT एंड PGT के अकॉर्डिंग, CTET क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो 2019 के अकॉर्डिंग जो फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं या अदर जो कैंडिडेट्स हैं उनके माइंड में ये क्वेश्चन चलते हैं। तो इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से क्लैरिफाई करेंगे, जानेंगे और पूरा एक होल प्रोसीजर को कंटिन्यू करेंगे टीचिंग फील्ड से रिलेटेड। टीचिंग इज अ नॉवलेस्ट एंड रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। मैनी ऑफ यू हैव अ ड्रीम टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन। स्टिल देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस दैट कम इन योर माइंड रिगार्डिंग टीचिंग प्रोफेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, बट उनके लिए पर्टिकुलर उनके माइंड में इस प्रोफेशन को जानने से पहले क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। उन क्वेश्चन को क्लियर आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे तरीके से जानेंगे, पूरे प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। देर आर सम क्वेश्चन विच कम टू इन माइंड रिगार्डिंग टीचिंग प्रोसेस। टीचिंग प्रोसेस से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के माइंड में चलते रहते हैं, तो थोड़ा सा हम उन्हीं को क्लैरिफाई करेंगे। जैसे विच पोस्ट शुड आई प्रिपेयर फॉर, वट इज सीटेड, वट इज द डिफरेंस बिटवीन PRT TGT एंड PGT, वट इज द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, वट इज़ द अपॉर्चुनिटी इन टीचिंग फील्ड। तो मतलब ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हैं, टीचिंग फील्ड से रिलेटेड है, बिकम अ टीचर से रिलेटेड है। तो सारी की सारी चीज़ें हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इन दिस वीडियो आई एम प्रोवाइडिंग कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर टू बिकम अ गवर्नमेंट टीचर। ओनली ग्रेजुएट कैंडिडेट्स कैन नॉट अप्लाई टू द पोजिशन ऑफ द टीचर। इट इज़ कंपल्सरी फॉर द कैंडिडेट्स टू हैव अ BEd, BTC, DEd, BLed एक्सेट्रा डिग्री इन ऑर्डर अप्लाई फॉर द टीचर पोजिशन। पर्टिकुलर अगर आपको किसी भी मतलब पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, टीचिंग लाइन में जाना है, तो उसके लिए ओनली ग्रेजुएशन या 12th पास करना ज़रूरी नहीं है। उसके लिए पर्टिकुलर आप लोगों के पास एक कोर्स होना चाहिए। वो कोर्स अब BEd भी हो सकता है, BTC भी हो सकता है, DEd यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशन भी हो सकता है, ETE भी हो सकता है, BLed भी हो सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें एज अ कंपल्सरी के अकॉर्डिंग मानी जाती है। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन PRT TGT एंड PGT 2019 के अकॉर्डिंग, आप ये देखिए। सबसे पहला पॉइंट है, देयर इज सो मच डिफरेंस बिटवीन PRT TGT एंड PGT। तीनों ही पोस्ट के अकॉर्डिंग, तीनों ही कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिफरेंस है। देयर इज डिफरेंट प्रोविजन टू अप्लाई फॉर ईच एंड एवरी पोस्ट। अगर आप PRT बनना चाहते हैं, PRT टीचर बनना चाहते हैं, उसके लिए सारी की सारी चीज़ें प्रोसीजर के अकॉर्डिंग सारी की सारी चीज़ें अलग हैं। TGT के लिए अलग प्रोसीजर है और PGT का अलग प्रोसीजर है। देखिए, PRT टीचर कैन टीच अप टू 5th लेवल। PRT टीचर बनना है यानी कि प्राइमरी टीचर बनना है, वहाँ पर यानी कि इस पोस्ट में आप 5th क्लास तक पढ़ा सकते हैं। TGT टीचर कैन टीच अप टू 10th स्टैंडर्ड। जो TGT टीचर होता है वो पर्टिकुलर 10th क्लास तक पढ़ा सकता है। एंड PGT टीचर कैन टीच 11th एंड 12th स्टैंडर्ड ओनली। और जो PGT यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिसे पर्टिकुलर कहा जाता है, ये 11th और 12th जो स्टैंडर्ड होता है, क्लासेस होते हैं, उनके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर कहा जाए TGT यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के अकॉर्डिंग, वैसे अगर कहा जाए जैसे CTET की तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमारा 1st to 8th का लेवल होता है। बट यहाँ पर आप 10th तक ईजिली पढ़ा सकते हैं, आपको प्रेफरेबल हो जाएंगे 9th और 10th क्लास भी। PRT यानी कि प्राइमरी टीचर एस्पिरेंट हु वांट टू बिकम अ टीचर फॉर प्राइमरी क्लासेस दैट इज 1st to 5th स्टैंडर्ड अपीयर टू PRT पोस्ट फॉर PRT आफ्टर 12th। आफ्टर 12th के बाद आप लोगों को अगर PRT टीचर बनना है, तो आपको JBT, BTC, BLed, DLed ये 2 ईयर का कोर्स होता है। BLed हमारा 4th ईयर का कोर्स हो जाएगा। तो ये चीज़ आप कवर कर सकते हैं आफ्टर 12th। कंटिन्यू करने के बाद आपको क्रैक करना होगा
ओनली सीटेट पेपर वन। पेपर वन आप याद रखेंगे, यहाँ पर पेपर टू नहीं है, पीआरटी के लिए ओनली पेपर वन है, वो आपको क्रैक करना होगा। टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ओनली हैविंग अ ग्रेजुएशन डिग्री इज नॉट इनफ फॉर अप्लाइंग टीजीटी पोस्ट। कई कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि हम टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो ओनली ग्रेजुएशन होनी चाहिए और उसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास पर्टिकुलर एक कोर्स होना चाहिए जिसे हम बीएड कहते हैं, और आफ्टर ग्रेजुएशन एंड देन सीटेट टू आप क्वालिफाई करेंगे टीजीटी के अकॉर्डिंग, आफ्टर दैट यू आर एलिजिबल फॉर टीजीटी पोस्ट, तब आप टीजीटी पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएलएड भी होता है, बीएलएड में ग्रेजुएशन और बीएड दोनों ही कोर्स आ जाते हैं, तो ये भी आप इसमें थोड़ा सा कंटिन्यू कर सकते हैं, बट एक मेन प्रेफरेंस बीएड को दी जाती है जिसमें आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर रहे हैं उसको, और इसमें पेपर टू आपका क्लियर होना चाहिए सीटेट। पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी इज एज द नेम सेज फॉर ओनली पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि मास्टर डिग्री होल्डर इज एलिजिबल फॉर द पीजीटी पोस्ट। जिसके पास मास्टर डिग्री होगी वही एलिजिबल होगा, बट यू हैव टू डू बीएड आफ्टर दिस टू एलिजिबल फॉर पीजीटी पोस्ट। अगर आप देखिए आपके पास बीएड है तो ठीक है, आपने बीएड कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर यह चीज़ हो जाता है कि अगर आप बीएड के बाद मतलब बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब कि दोनों ही चीज़ें आपके पास हैं तब आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर सीटेट की कोई ज़रूरत नहीं होती, ना ही आपको पेपर वन क्लियर करना होता है, ना ही पेपर टू, आप डायरेक्ट पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ पर आपके सामने पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर डिग्री प्लस बीएड एज अ कंपल्सरी के अकॉर्डिंग माना गया है। स्पेशल नोट फॉर बीटेक, कई कैंडिडेट्स होते हैं जो बीटेक मतलब कि किया होता है, बीटेक करने के बाद वो टीचिंग लाइन में जाते हैं, तो उन लोगों के लिए देखिए, बीटेक यानी कि कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आर एलिजिबल फॉर पीजीटीज, सीएस फॉर पीजीटी, आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पोस्ट, देन डू नॉट नीड टू क्वालिफाई द सीटेट एग्जाम। सिंपल सी बात है, जो भी कैंडिडेट्स बीटेक करा हुआ है कंप्यूटर साइंस के अकॉर्डिंग किया हुआ है तो वो कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी पोस्ट में। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पोस्ट भी होती है तो वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट इफ़ यू आर फॉर्म एनी अदर इंजीनियरिंग स्ट्रीम देन यू हैव टू डू एनी कंप्यूटर एप्लीकेशन बेस्ड सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री कोर्स। अगर आपकी मतलब कंप्यूटर साइंस से हटकर कोई अदर स्ट्रीम है वहाँ पर आप लोगों को सर्टिफिकेट डिप्लोमा और डिग्री कोर्स लेना होगा, तो ये एज अ कंपल्सरी अकॉर्डिंग माना गया है पीजीटी के अकॉर्डिंग। There is no requirement या no mandatory CDET for PGT post। ये बहुत ही अच्छी बात तो मतलब हो जाएगी वैसे, बट इसमें थोड़ा सा लेवल है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है PRT and TGT के अकॉर्डिंग। देन चलिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न अबाउट एनी जॉब प्रोफाइल इज पे स्केल। सो फ्रेंड्स, इन दिस टीचिंग प्रोफेशन द सैलरी पैकेज इज ऑल्सो वेरी अट्रैक्टिव नाउ। आज के टाइम पे यानी कि जो 7th पे कमीशन आया उसके बाद जो हमारा एलिजिबल क्राइटेरिया है सैलरी के अकॉर्डिंग, वो को कौन सी चीज़ें कंटिन्यू हुई हैं वो देखिए। पीआरटी पे स्केल हमारा 9300 से 34,800 पर्टिकुलर बन गया है, जिसमें ग्रेड पे हमारा 4200 और बेसिक पे हमारा 35,400 पूरा, और ये किसके अकॉर्डिंग है, हमारा अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन। ऐसे ही टीजीटी के अकॉर्डिंग है हमारा, और इसमें 44,000 जो हमारा बेसिक पे बन जाता है 44,900 है, और पीजीटी के अकॉर्डिंग 47,600 हमारा पर्टिकुलर है आफ्टर द 7th पे कमीशन। 7th पे कमीशन जब से आया है ये हमारा सैलरी पैकेज रहा है और यही कंटिन्यू होगा जब तक हमारे सामने कोई अदर प्रोसीजर नहीं आ जाता। तो पीआरटी टीजीटी और पीजीटी का आप सैलरी पैकेज देख सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए अगर आपको इतना सैलरी पैकेज चाहिए तो। Then, in today's time, there are lots of opportunity for student to grab the government job with their hard work and determination. One of important and most desirable opportunity is teaching field, in which you get the fair chance to get the job in this field sector through open competition. वैसे अगर देखा जाए आज के टाइम पे इतना कंपटीशन बढ़ गया है हमारा टीचिंग स्कोप का, अगर कहें वैसे मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग लाइन है जहां से आप पर्टिकुलर कुछ ना कुछ हर समय हर पल कुछ ना कुछ सीखेंगे ज़रूर। यहां पर ऐसा नहीं कि आपने जॉब ले लिया, आपने हार्डवर्क कर लिया और आपने जॉब सिलेक्शन सारी की सारी चीज़ें और आप अच्छे तरीके से स्कूल में जाकर पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर आपको हर 5 मिनट में कोई ना कोई चीज़ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगी, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पर हम लास्ट लाइफ टाइम तक
जब तक हम रिटायर नहीं हो जाते तब तक हम सीखते ही रहते हैं यहाँ पर। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोफेशन आप लोगों के लिए मैं कहूँगी। स्कोप थोड़ा सा बढ़ गया है, कंपटीशन बढ़ गया है, तो इसलिए यहाँ पर जो मेन हमारा कंपटीशन रह गया है वो हार्डवर्क का रह गया है। आप कितना लगे रहते हो उस चीज़ के ऊपर है। तो जितना हो सके अगर आप इसी फील्ड में जाना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट आपकी रुचि इसी में है, तो आप जितना हो सके हार्ड वर्क को प्रेफरेंस दें, स्मार्ट वर्क को प्रेफरेंस दें। नाउ इट इज सी डेट हैज़ बिकम कंपल्सरी फॉर द सिलेक्शन एज अ टीचर। सबसे मेन बात है सी डेट। सी डेट अगर आपका क्वालिफाई है तो एक कंपल्सरी वे में, एक मैंडेटरी वे में माना गया है, चाहे वो आप गवर्नमेंट एग्जाम की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर सी डेट मैंडेटरी हो गई, ओनली पीजीटी को छोड़कर। मैनी ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल हैज़ ऑल्सो मेड सी डेट सर्टिफिकेट कंपल्सरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन एज अ टीचर। बट अगर आप प्राइवेट या पब्लिक स्कूल में टीच कर रहे हैं वहाँ पर भी एक प्रेफरेंस दी जाती है, बट वहाँ पर आपको सैलरी पैकेज इतना नहीं मिलेगा जितना गवर्नमेंट का है, बट वहाँ पर भी प्रेफरेंस दी जाती है अच्छे और हाई स्कूल्स में। तो अगर मेन जो प्रेफरेंस आपको मैं दूंगी, गवर्नमेंट आपकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, सैलरी पैकेज आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको जितना स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क कंटिन्यू करेंगे तभी आप इस जॉब को ले पाएंगे। यू कैन अप्लाई, जब आपके सामने सारी की सारी चीज़ें होल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग कंटिन्यू हो जाएंगी तब आप कौन कौन सी आज के टाइम पे यानी कि 2019 के जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं उनके अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीज़ों को आप अप्लाई कर सकते हैं। डी ट्रिपल एस भी हो गया हमारा, KVS, AWES, NVS, NDMC, SDMC, बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जो मैंने यहाँ पर मैंशन नहीं किया, बट जो हमारी अपकमिंग मैंने इसके अकॉर्डिंग बता दिया है, जो हमारी अपकमिंग है उसके अकॉर्डिंग। एक और चीज़ है, कॉन्ट्रैक्ट बेस हमारे गेस्ट टीचर होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वहाँ पर भी सीटेट को एज अ कंपल्सरी के अकॉर्डिंग माना गया है। तो प्रेफरेंस दी जाती है उन्हीं कैंडिडेट्स को जिनका सीटेट क्वालिफाई है। तो सीटेट पीआरडी और टीजीटी कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट माना गया है, पीजीटी के लिए नहीं माना गया है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रखकर अपनी प्रिपरेशन को आप बेस्ट बनाएंगे और तैयारी करेंगे एज अ बिकम टीचर बनने के लिए। तो मेरे हिसाब से 2019 में आप ज़रूर कोई ना कोई टीचिंग एग्जाम क्रैक कर सकते हैं अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है। और अगर आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं है पहले सीटेट को क्वालिफाई कीजिए, जिसका एग्ज़ाम हमारे 7 जुलाई को होने वाला है। इट मीन्स आपके पास 4-5 मंथ्स हैं आराम से क्रैक करने के लिए। अच्छे स्ट्रैटेजी, अच्छे स्टडी प्लान को फॉलो कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाइए, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं आप किसी भी पोस्ट के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी फर्दर कंटेंट अबाउट टीचिंग एग्जाम। अपना सपोर्ट बताने के लिए और दिखाने के लिए लाइक, शेयर, फॉलो एंड रिव्यू जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कीप सपोर्टिंग।